Hello students, welcome to the sixth video of this chapter, Tissues. जिसमें हम लोगों ने बात अभी तक क्या क्या की है, हमने ये देखा है टिश्यू क्या होता है और प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की हम बात कर चुके हैं, जिसमें परमानेंट में सिंपल परमानेंट की हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये नेक्स्ट टाइप का परमानेंट टिश्यू आने वाला है, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, तो पहले तो ये समझो टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर काइंड ऑफ सिमिलर और दे परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ अ फंक्शन। ओके, परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यूज विच द सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब डिवाइड नहीं हो रहे एंड दे आर डिफरेंशिएटेड, दे हैव अ स्पेशल फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये है कि यस देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एक ही टाइप के सेल्स थे और फिर एक टिश्यू बना था, एक फंक्शन कर रहे थे वो। बट यहां पे एक से ज्यादा टाइप के सेल्स है। बोलिए सर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स है तो फिर एक टिश्यू कैसे, तो अलग टिश्यू होने चाहिए अपने अपने। बट द पॉइंट इज कि यहां पर वो सब लोग मिलके एक यूनिट जैसे काम कर रहे हैं। ओके, सी आई हैव मेनी मेनी ऑर्गन्स बट स्टिल आई कॉल माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग। क्यों आप उसको अलग उसको अलग क्यों नहीं बोलते हो? लाइक योर लिवर इज वन थिंग एंड योर किडनी इज वन अदर थिंग, नो ये सब मिला के ही मैं बनाऊ। सो वैसे ही यस दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, बट दे आर फॉर्मिंग अ यूनिट, दे आर फॉर्मिंग अ कॉम्बिनेशन विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। मतलब अकेला कोई फंक्शन नहीं कर सकता, वो अकेला वो फंक्शन नहीं कर सकता, मिल के ही वो फंक्शन हो रहा है एंड इट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंशिएटेड। ध्यान से, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया कि वो परमानेंट है। परमानेंट होता है डिफरेंशिएट, क्लियर? सो परमानेंट है डिफरेंशिएटेड एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। सी परमानेंट टिश्यू हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, यस सर। सो परमानेंट टिश्यू की पहचान ही वो है कि यस दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, उनके पास कुछ स्पेशल फंक्शन है और उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, अब वो डिवाइड नहीं होंगे। तो डिवाइड कौन होते हैं आपको पता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू ओनली डिवाइड होते हैं। नाउ दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, देखो यहां से लेकर यहां तक आई अंडरस्टैंड दैट दिस यहां से लेकर यहां तक इज द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सो आई हैव अ परमानेंट टिश्यू विच इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। सो परमानेंट टिश्यू बिकम्स कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक ही टाइप के सेल्स थे, एक ही कॉमन फंक्शन करते थे, डिफरेंशिएटेड और वो भी डिवाइड नहीं होते थे। बट फर्क ये है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स में कि यहां पर ग्रुप ऑफ मोर देन वन सेल्स, ठीक है, गुड। इसके एग्जांपल्स है जाइलम और फ्लोएम। तो अभी हम देखने वाले इस वीडियो में जाइलम और फ्लोएम, आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो का टाइटल ही जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम में, वो टिश्यू में, ये प्लांट्स में होते हैं। दे आर कंडक्टिंग टिश्यू फॉर्मिंग अ वैस्कुलर बंडल। अब कंडक्टिंग टिश्यू, देखो एनिमल्स में अपने को ब्लड कंडक्ट करना होता है ना, हमको न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट करने हैं, अगर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर यहां से वहां लेके जाने हैं, देन आर वैस्कुलर थिंग इज लाइक ब्लड, मतलब वो ब्लड वेसल्स हैं जहां पर ब्लड जाता है। बट प्लांट्स में ऐसा ब्लड तो नहीं है, प्लांट में एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है। सो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ना, यही हमारे आर्टरीज और वेन्स हैं प्लांट्स के लिए। वहां पर क्या फ्लो होता है? वहां पर फ्लो होता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फूड फ्लो होता है। सो जहां से कुछ फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं वैस्क्यूलर, वैस्क्यूलर बंडल। बंडल एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो ये वैस्क्यूलर, मतलब यहां से वहां कुछ तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले अभी देखने वाले हैं जाइलम, ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में दिया नहीं है।
सो हम लोग इसको लाइट ही रखेंगे, बाकी एक एक टाइप ऑफ सेल्स पे आप बहुत सारी चर्चा कर सकते हो, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। डायग्राम भी मैं आपको बाजू में दिखा ही दूंगा यहाँ पर, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि कौन से टाइप ऑफ सेल्स है। सो जाइलम जो है उसके चार, जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, एक है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है ना। ट्रैकेट्स जो है और वेसल्स जो है, ये दोनों के ये फंक्शंस हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के दोनों के ये फंक्शंस हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उनके थिक वॉल्स हैं, ओके, डेड सेल्स हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो डेड सेल्स हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो दीवारें बन जाती है उनकी, है ना, वॉल्स भी थिक होते हैं और डेड हो जाते हैं, मतलब उनको खुद को खाना पानी नहीं चाहिए, ओके, ये खुद डेड हैं, इनको खाना पानी नहीं चाहिए। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनका, ट्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा, ट्यूब जैसा इनका स्ट्रक्चर है, एंड इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। देखो इट इज जस्ट अ पाइप एंड दैट पाइप इज नॉट लिविंग, यू डोंट हैव टू हैव अ लिविंग पाइप, बस वहां से चीजें पास ऑन हो रही है। सो वर्टिकली नीचे से ऊपर तक जब अपने को पानी या न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, नीचे से ऊपर रूट से लेकर शूट तक हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो हमको ये ट्रैकेट्स और वेसल्स हम देखते हैं कि वो काम करते हैं, ठीक है। जाइलम के चार सेल्स हैं, चार टाइप के सेल्स हैं, उसमें से ये दो टाइप के सेल्स कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके थिक वॉल्स हैं, उनके सेल्स डेड हैं, पाइप है ना, पाइप है, उसमें से सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है पानी और मिनरल्स बस। सो उसको जिंदा रहने की जरूरत नहीं, अदरवाइज उसको फिर से एनर्जी लगेगी, राइट। सो आपने डेड सेल्स का यूज किया, यू डोंट हैव टू कीप इट लाइव, राइट। सो वो भी खुद भी एनर्जी लेगा, ये लोग एनर्जी नहीं लेते, डेड है वो, सो इट सेव्स एनर्जी फॉर द प्लांट। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनका, ट्यूब जैसा है, पाइप जैसा है, राइट। तो याद रखना बस कि ये दो जो है वो पाइप जैसे हैं, दे आर डेड सेल्स एंड दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, है ना, मिनरल आता है पानी में सब टाइप की चीजें, एंड दे हैव थिक वॉल्स, सो एक थिक पाइप का इमेजिन करोगे आप तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी। चलो जाइलम पैरेन्काइमा, आपको पता होगा पैरेन्काइमा जो टिश्यू हमने नाम लिया था वो फूड स्टोरेज का उसका काम था, सिंपल परमानेंट। सो जाइलम में भी पैरेन्काइमा टाइप के सेल्स हैं, उनका काम है फूड स्टोर करना, और जाइलम फाइबर्स का इतना ही फंक्शन है कि वो सपोर्टिव है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का वो काम करते हैं, दैट्स द ओनली फंक्शन दे हैव, राइट। अच्छा तो इस पर एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमको पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, चार टाइप के एलिमेंट्स या चार टाइप की चीजें जाइलम टिश्यू बनाते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है, ग्रेट। बस इतनी सी बात थी, अब जाइलम को हटा देते हैं और फ्लोएम को यहां पर रखते हैं और देखते हैं कि फ्लोएम में कौन सी चीजें हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, अगर दिए होंगे तो, ठीक है। चलो लेट्स रिमूव दिस एंड विल मीट ऑन द अदर साइड। नाउ विल टॉक अबाउट फ्लोएम, द अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगेन कॉम्प्लेक्स मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड अनडिवाइडिंग सेल्स जो साथ में एक फंक्शन करते हैं, तो उनको टिश्यू बोलते हैं। अब हमने जाइलम तो देखा, जाइलम एक वैस्कुलर बंडल का पार्ट है, मतलब कुछ तो कंडक्ट करता है, जाइलम फूड एंड वाटर कंडक्ट करता है, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड। अब फूड कहां से बनता है बताओ, फूड तो लीव्स में बनता है। अब लीव्स में फूड बनता है बट पूरे प्लांट को जो लिविंग सेल्स है उनको फूड तो लगेगा। सो लीव्स में फूड बनता है पर वो पूरे लिविंग सेल्स में हर जगह तक जाना चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये टाइप ऑफ टिश्यूज है फ्लोएम। सो फ्लोएम टिश्यू इज ऑल्सो वैस्कुलर टिश्यू बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। सो वॉट आर द टाइप्स, 5 टाइप्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है जो दिया है कि सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर एंड परफोरेटेड वॉल्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, परफोरेशन मतलब होल्स होते हैं उसमें, है ना, जैसे कि एक पाइप है
तो अगर पाइप बिल्कुल कंटिन्यूस है तो फिर उसमें कोई होल्स नहीं है, बट जस्ट इमेजिन देर आर पाइप्स और उसमें होल्स हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर हैज इज फॉर सीव ट्यूब्स. देन फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स. नाउ व्हेन वी से फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स, द अदर्स आर लिविंग. याद रखना, एवरी अदर सेल इज लिविंग. जाइलम के केस में ट्रैकाइट्स और वेसल्स, ये डेड थे, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे पानी, बट वो डेड थे. यहां पर इनको फूड ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये लिविंग है सारे और ये सिर्फ अकेला डेड है. क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लोएम. नथिंग मोर इज गिवन इन योर बुक, सो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, अदरवाइज यू विल फील दैट यू नो वो सब कुछ एक्स्ट्रा हो गया. राइट, सो वी लीव दैट एंड सॉल्व टू मोर क्वेश्चंस व्हिच आर रिमेनिंग. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम टिश्यू. तो ये रहे, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल. एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 हम क्लोक करेंगे. हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स. यस, सो हम प्लांट्स की बातें कर रहे थे बहुत सारे, तो अभी हमने सब कुछ कवर कर लिया. देखो प्लांट्स के बारे में, तो हमने एक सिंपल परमानेंट देखा, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो सिंपल परमानेंट की क्या खासियत है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली सिमिलर वन टाइप ऑफ सेल्स, वेर एज दिस फ्लोएम फॉर एग्जाम्पल इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम है. ठीक है, नाउ फॉर फंक्शंस. सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारे के सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक टाइप के फंक्शन करते हैं. मतलब फूड स्टोर करना है तो फूड ही स्टोर करेंगे, अगर अगर सपोर्ट देना है तो सपोर्ट ही देंगे. बट यहां पर कैसा है कि यस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट फॉर फंक्शंस, फंक्शंस ऑल्सो आर स्लाइटली डिफरेंट. बट वाई आर दे फॉर्मिंग वन टिश्यू, वाई डू वी कॉल देम वन टिश्यू, इज बिकॉज दे मिलके सब लोग वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं. अभी जब एनिमल टिश्यूज आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, आने वाले 4 वीडियोज में जब एनिमल टिश्यूज की बात होगी, तो वहां पर आप समझ जाओगे कि कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी, इवन नर्वस टिश्यू इज मेनी मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बट स्टिल दे फॉर्म नर्वस टिश्यू. व्हाई? इज बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ फॉर एग्जाम्पल जाइलम फाइबर्स, वी टॉक्ड अबाउट इट, गिव्स सपोर्ट. नाउ आप बोलेंगे सर सपोर्ट है, ये फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग फंक्शन है. बट द पॉइंट इज दैट सपोर्ट होगा तभी वो सेल भी वहां रह पाएगा, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगा. सो यू नीड वॉल्स. सो यू डोंट से दैट यू नो आई हैव अ हाउस, जस्ट अ हाउस. नो, देर विल बी वॉल्स, देर विल बी फैंस, देर विल बी अदर थिंग्स, एंड दैट विल बिकम वन पर्टिकुलर हाउस. मेनी थिंग्स बिकम अ वन एंटिटी. वैसे ही यहां पर बहुत सारे सेल्स मिलके काम करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. Those are the 3 differences. कौन से? Simple is made up of one type of cell. They all perform similar function. And their examples are parenchyma, colenchyma and scleroderma. Complex permanent tissue is made up of many types of cells. They perform slightly different functions. Supportive functions, है ना, एक दूसरे को मदद करने वाले functions करते हैं. And the examples are xylem and phloem. ठीक है? Great. चलो तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. सारे questions भी हमने कर लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की. 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है. एक एक वीडियो में हम एक एक टिश्यू करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में. ठीक है, चलो. सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. तब तक पढ़ाई करते रहें.